आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आप ये कब से कर रहे हैं काम? तकरीबन 15-16 साल से यही चीज में बेचता हुआ आ रहा हूँ। अभी आपसे क्या मुश्किलात आ रही हैं? सर मुश्किल यही है कि देखें, जो चना आज तकरीबन 80-90 रुपये किलो था, आज 260 रुपये हो गया है। 55 रुपये किलो वाला आटा आज 125 हो चुका है। 500-600 रुपये दिहाड़ी निकलती है, 500-600 मकान भी किराए का है, और घर के लाइट गैस के बिल है। अभी मेरा घर का लाइट का गैस का बिल आया 12,000 रुपये का। ठीक है, मैं घर की करूँ, लाइट के बिल की करूँ, आटे की करूँ, अपने बच्चों की करूँ? अगर खुदारा यही है, गवर्नमेंट से गुजारिश है हमारी कि हमें अगर आटा नहीं दे सकते, हमें खाना पीना नहीं दे सकते, तो खुदारा ये है हमें जहर दे दें। हमें इत्तेजा है आज सिंध से भी, सिंध गवर्नमेंट से भी, वफाक गवर्नमेंट से भी गुजारिश है, सिंध गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि हमारा फ्रम गरीबों का ख्याल करें। अल्लाह आपको जदाए खैर। आपकी वालदा हयात है? मेरी वालदा भी इंतकाल कर गई है। कैसे मसले हैं? बच्चे कितने आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। कैसे जिंदगी गुजार? जिंदगी यही है। देखिए आपको बताया है कि मेरे पर 250 रुपये किलो चना मुझे मिल रहा है, 125 रुपये किलो आटा है, मकान किराए का है। अगर ये गवर्नमेंट नहीं हमें कुछ देना चाहती है, तो खुदा ना ये हमें जहर दे दे, हम जहर खाकर मर जाएंगे। 125 रुपये किलो से हिसाब लगा रहे की 300 रुपये का खाली आटा आ रहा है, 2 टाइम 3 टाइम का। ये चना आपका सारा बिक जाता है? चना कभी बच भी जाता है, कभी रह भी जाता है। शाम को जब हिसाब लगाता हूँ तो 500-600 भी बहुत मुश्किल से बनते हैं। गुजारा हो जाता है आपका? नहीं हो रहा है गुजारा। अब गुजारा नहीं है, अब सिर्फ गुजारा यही है कि कुछ जहर दे दो तो वो खाकर हम चले जाए। गवर्नमेंट से क्या कहना? गवर्नमेंट से अपील यही है, जो सस्ताई पहले थी, अगर वो नहीं ला सकते, कुछ ना कुछ तो आवाम को रिलीफ दें, कुछ तो आवाम को रिलीफ दें। आपने ये 25 का बोनस दिया है, तो 50 तो आप निकाल चुके हो।